नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, स्पाइन एंड पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आइए अब हम जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोस कैसे किया जाता है। आमतौर पर फ्रोजन शोल्डर का डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन से किया जाता है, जिसमें डॉक्टर पेशेंट के शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन को देखता है और जरूरत पड़ने पर एक्सरे की जांच, मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की जांच या कंधे की एमआरआई जांच की जाती है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट, जिससे कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड जैसे बीमारियों का पता किया जाता है।